साहब मैं बंदा किसी को माँ गंगा का जल लेकर बाबा का अभिषेक करना है तो घूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का निर्माण की शुरुआत, ब्रजद्वीप का विकास हो, चित्रकूट धाम हो या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव, हर परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पुनर्जीवित करकर लोगों की बरसों जूनी जाति प्रतिपूर्ति। लोगों के मन में कई बार होता है ये सरकार किसकी, क्यों हमारी नहीं सुनती, क्यों हमारी आस्थाओं का सम्मान नहीं होता, क्यों मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं तो बहनों को जाने में तकलीफ पड़े, इतनी भीड़ के बीच में से जाना पड़ता, क्यों यहां भव्य कॉरिडोर नहीं बनता, क्यों त्रिकोण परिक्रमा करने के लिए जिनकी वय हो गई है उनके लिए रोपवे की व्यवस्था नहीं, यात्रा भूल गई, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, तीनों मां का दर्शन नहीं हो पाता था क्योंकि ऊपर चढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े माँ बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है। अरे व्यवस्था है, मैं पूछना चाहता हूं तो शासन भाई क्यों राम मंदिर नहीं बना, जरा बताओ क्यों ब्रज के विकास के लिए बहुत नहीं बना, क्यों चित्रकूट धाम जहां भगवान श्री राम 11 साल से ज्यादा समय में है उसके विकास के लिए बोर्ड क्यों नहीं बना, क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर नहीं हुआ, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति से डरते थे, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती। ये सारे विकास के जो काम हो रहे हैं आज विशेषकर विंध्यवासिनी के शरण में मैं भी आया हूं, हमारे सारे नेता भी आए हैं, मां विंध्यवासिनी रामायण के समय से लोगों के कष्ट काटती, कहते हैं अगस्त से जिन्हें विंध्य को नमाने की ताकत यहीं से था, मां विंध्यवासिनी को ही महिषासुर मर्दनी कहते हैं, मां विंध्यवासिनी को कई लोग कृष्ण की बहन भी मानते हैं और इस सब श्रद्धा की अभिव्यक्ति आज बहुत अच्छे तरीके से हो पाए प्रकार की व्यवस्था। माँ जो यहाँ विराजमान है उसमें चारों वेदों का व्यास वास है, ब्रह्म मुहूर्त में माँ का बाल स्वरूप का दर्शन होता है, मध्यान्ह में युवा स्वरूप का दर्शन होता है, शाम में माँ प्रौढ़ स्वरूप में दिखती है और चौथे रूप में देर रात को रुद्र स्वरूप में दिखाई है। आज मैं मध्यान्ह में दर्शन कर आया हूँ, कहते हैं जो मध्याह्न में विंध्यवासिनी की प्रार्थना करता है उसको अर्ध की प्राप्ति, और मैंने वहां पर उत्तर प्रदेश के सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए मन से मां विंध्यवासिनी को मैं प्रार्थना करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुखिया बने, ढेर सारे काम, और आज यहां पर मंदिर पराकोट का निर्माण, परिक्रमा पथ का निर्माण, रोड व मैग्नेट मेन गेट की व्यवस्थाएं, मंदिर के गलियों के फसाद ट्रीटमेंट का कार्यक्रम, मां विंध्यवासिनी को आने जाने वालों को जोड़ने का रोड जोड़ने का कार्यक्रम, विंध्याचल मेला परिक्षेत्र में पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, कई प्रकार की व्यवस्थाएं आज यहां पर शुरू होने जा रही है। मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि सभी वयस्क यात्रियों को, देश भर के यात्रियों को आपने जो आज रोप वे बनाया है वो किसी श्रवण को कावड़ उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने माँ बाप को लेकर यात्रा करा पाएगा। मित्रों, जब से
मोदी जी की सरकार बनी। गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए इस सरकार ने ढेर सारा। अभी बहन सुप्रिया ने कहा, मोदी जी ने अभी बहुत बड़ा एक फैसला लिया है। देश में जितनी भी स्नातक और अनुस्नातक एमबीबीएस, एमडी और एमएस की सीटें थी, वो सभी केंद्र कोटा की 25% सीटों के अंदर ओबीसी के लिए 27% और गरीबों के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने। हमेशा ओबीसी मतदाताओं के पिछड़ों के वोट लेकर राज करने वाली कांग्रेस और स्थानीय पार्टियां कभी इसके कल्याण के लिए काम नहीं करती। मोदी जी ने उनके लिए आयोग बनाने की बात की। मोदी जी आज इनके लिए रिजर्वेशन भी ला रहे हैं और अन्य बिना आरक्षित जातियों के गरीब बच्चों के लिए भी 10%